है कि वो अब जैसे DF करके है लिस्ट का नाम, तो उसके ब्रैकेट में दे दो 3 दे दो या 0 दे दो, जो भी हो उसका नंबर। मैंने कहा ठीक ठीक है। है सर। फिर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया कि ओके प्रिडिक्टिव एनालिसिस के भी यूज होता है वो बेसिकली, और जब हम उसमें सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करते हैं। ओके और मैंने बताया है कि उसमें 3 टाइप्स होते हैं उसके, बायनोमियल, मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल। तो फिर ओके उसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया था, बस उन्होंने यही पूछा था। मगर क्वेश्चन मेरे बाद बहुत खतरनाक पूछे थे कुछ जैसे मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, मगर कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस वगैरह लगा के पूछे थे, तो मुझे ये याद नहीं है। बस इतना ही था, ओके दो और छोटे पूछे मैं। ओके सर। गुड। हाँ चलो, कुछ फंक्शन भी थे लिस्ट के एलिमेंट्स के एक्सेस करने के लिए। सर सर एक चीज और, ये पांडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा फ्रेम, है ना? मैंने क्या पढ़ा है चीज, वैसे। पांडास क्या चीज, सॉरी। का फुल हाँ क्या होता है, पैनल डेटा फ्रेम। पैनल डेटा फ्रेम, हाँ जी क्या होता है? ये मैंने नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा मैंने उसमें निकाला था, तो उसमें आया था पांडास का फुल फॉर्म पैनल डेटा फ्रेम कहते हैं उसको, मगर पांडा ज्यादा अच्छा लगता है, फिर पांडास कहते हैं। तो मैंने यही बोला तो क्लास में। टर्म पैनल डेटा एंड इकोनोमेट्रिक्स टर्म यूज फॉर डेटा सेट डेट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन अंडर सेम इंडिकेटर्स। अच्छा हो सकता है, मुझे नहीं पता था, सॉरी, इसमें मेरी नॉलेज कम थी। सही है ना सर? हाँ पैनल डेटा, पैनल डेटा फ्रेम नहीं है, पैनल डेटा है, पैनल डेटा, तो पैंडा वहां से आया। हाँ ओके सो हाँ ठीक है, तो मुझे नहीं पता था ये चीज़, चलो कुछ नया मिला सीखने। मतलब कि सब जानवरों के नाम रख रहे हैं, पाइथन नाम रख दिया सांप का, तो पैंडास नाम रख दिया पैंडास का। हाँ मेरी तो सोची थी, ठीक है तो लेकिन मैंने ठीक है इसको पैनल बहुत डेटा। उससे पढ़ा था आपके नोट्स नहीं नहीं में नहीं था, पढ़ा। डायमेंशन एक्सटेंड वगैरह का, ओके तो वो भी है इसमें। ओके नहीं बढ़िया। ओके अच्छा, लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने काफी कर लिया है, बट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और वो पूरा होने में अभी समय लगेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई हैं, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई हैं, जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वापस लौट के आते रहेंगे लीनियर रिग्रेशन पर। लीनियर रिग्रेशन हमारा अब ये होम बेस हो गया, मतलब ये बेस हो, जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो नीचे पहाड़ के नीचे एक बेस कैंप बनाते हैं कि सब वहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। तो अभी हमने अपना बेस कैंप बना लिया है, पूरा नहीं है, हम लोग ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, हम लोग ऐसे चलते हैं। आज हम लोग जो थोड़ी बात करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि बेसिकली दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी सॉरी सुपरवाइज लर्निंग में, एक होती है क्लासिफिकेशन और एक होती है रिग्रेशन। दोनों में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देना होता है, बस क्लासिफिकेशन में हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स देते हैं, और रिग्रेशन में हमारा जो आउटपुट की रेंज होती है वो कोई भी नंबर हो सकती है, एक मतलब कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट है कि क्लासिफिकेशन में आउटपुट डिस्क्रीट होता है और रिग्रेशन में आउटपुट कंटिन्यूअस होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो बस यही है क्लासिफिकेशन, इसकी हम लोग एक एल्गोरिथम देखेंगे और उससे हम कई चीजें और करेंगे। तो क्लासिफिकेशन आ जाओ, क्या हो गया इसे? ये ड्रॉ पकड़ के लिया है।
ड्रॉ लाइन सीरियसली। चलो दोस्तों हम देखते हैं इसमें शायद पकड़ लें। हाँ इसमें पकड़ लिया। ओके तो हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमारे पास कुछ डेटा सेट्स है तो उसी में से एक डेटा सेट है फेमस है थोड़ा सा उसे कहते हैं आयरिस डेटा सेट। तो हम लोग पहले इंपोर्ट पैंडास एसपीडी कर लेते हैं, इंपोर्ट एसकेलर्न कर लेते हैं, इंपोर्ट नंपाई कर लेते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी कर लेते हैं और परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा कनेक्ट हो रहा है होगा। तो ये जो आयरिस का डेटा सेट है ये एक असल में फ्लावर्स का डेटा सेट है कि उसमें कुछ फ्लावर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है आयरिस फ्लावर्स की और उनके जो फीचर्स हैं जो कॉलम्स हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दिए गए हैं कि उनके जो पेटल और सेपल दो चीजें होती हैं उनकी लेंथ और विड्थ है। तो लोड आइरिस और डेटा इक्वल्स टू लोड आइरिस। तो डेटा हमने अभी डाउनलोड कर लिया है अभी हम देखते हैं इसको। तो इसमें भी वही आपकी सारी चीजें होंगी जो मेरे बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट में थी। तो पहले मैं सिंपल प्रिंट कर लेता हूँ तो आप देखोगे इसमें भी वही पांच चीजें आ जाएंगी डेटा ठीक है और डेटा इसमें हमें दिख रहा है कि चार कॉलम्स ही हैं और फिर है टारगेट टारगेट नेम्स और एक आखिरी में आपका डिस्क्रिप्शन होगा। तो प्रिंट डेटा DESTR तो डेटा सेट कैसे बताता है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हमने बात किया था कि नंबर ऑफ रोज हैं तो हमारे पास 150 है 50 इन ईच ऑफ थ्री क्लासेस क्लासिफिकेशन क्लास। तो 50-50 रोज है मेरे पास हर एक क्लास के मतलब हर एक आउटपुट मेरे आउटपुट तीन है यहाँ पर थ्री क्लासेस इन टोटल और उनके 50-50 रोज है मेरे पास। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स क्या है चार है चारों के चारों न्यूमेरिक है और ये प्रिडिक्टिव है कि सेपल लेंथ पेटल लेंथ सेपल एंड पेटल। तो सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर सेपल विड्थ इन सेंटीमीटर पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर एंड पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर और ये हमारे पास चार कॉलम्स हैं जो हैं और इनकी जो मतलब क्लासेस हैं वो है सेटोसा वर्सिकुलर और वर्जिनिका। तो ये क्या कह रहा है ये अगर जैसे आपने देखा तो ये कह रहा है कि मेरे पास इसको मैं क्लोज कर सकता कि मेरे पास तीन आउटपुट्स हैं ठीक है क्योंकि मेरे पास क्या है तीन क्लासेस हैं। तो तीन आउटपुट मेरे पास क्या क्या है वर्सिकलर वर्जिनिका और सेटोसा। कुछ नहीं है खाली फ्लावर्स के नेम है जो भी उस डेटा सेट में और जो भी इस डेटा सेट में फ्लावर था ये उनके तीन नेम ठीक है। मेरे पास जो फीचर्स हैं फीचर्स क्या है मतलब कॉलम्स हैं वो है मेरे पास चार सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो आपको इन चारों को देखना है और बताना है कि ये इनमें से कौन सा तीन का हो सकता है। रिग्रेशन में हम सारे डेटा को देख के क्या आउटपुट कर रहे थे एक एक कोई कंटिन्यूअस वैल्यू तो एक हम हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे थे। यहां पर हमें हमारे पास आउटपुट के ऑप्शन कितने हैं हमारे पास आउटपुट के ऑप्शन सिर्फ तीन है
या तो ये इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। नंबर ऑफ बिन्स फिक्स्ड है, नंबर ऑफ वैल्यूज फिक्स्ड है। तो जहां पर भी फिक्स होता है, जहां पर भी डिस्क्रीट होता है, तो वहां पर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। इसका हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी किए थे कि कोई चीज ये निकालनी है तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है कि रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम क्योंकि मेरे पास आउटपुट या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा, चौथा कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर से हमारे पास रोज हैं, रोज में मेरे पास ये चार कॉलम्स हैं और इन चार कॉलम्स के पास आउटपुट जो मेरे पास है वो इनमें से कोई एक है। ये जी समझ में आई डेटा क्या है मेरे पास? सर ये नहीं समझ में आया, आउटपुट में हमें क्या निकालना है, तीन क्या है, मतलब हमें तीन में फिट करना है क्योंकि चार वो है ना हमारे पास सेट। चार तो फीचर्स है, तीन हमारे पास क्लासेस है, तीन तरह के फूल है हमारे पास। ओके तो हमें ये बताना है कि इन तीन तरीके में से फूल में कौन से तरीके का फूल है ये रूप। अगर आपको अच्छा अच्छा एक सेपल लेंथ और एक सेप, हाँ इन तीन में से कौन से तरीके का फूल है, ये आप ऐसे समझ लो कि आपके पास यहाँ पर चार, ये चार वैल्यूज हैं और आपके पास आउटपुट में आ गए डॉग की ब्रीड्स। अब डॉग की ब्रीड्स आपके पास पांच तरीके की हैं, तो आपको यही बताना पड़ेगा ना कि यहाँ अगर ये भूरा है, इसके बाल हैं, तो ये किस ब्रीड का डॉग है। अब समझ में आ गया सर, ठीक है ठीक है। यहाँ पर हमें बस ब्रीड का डॉग नहीं है, यहाँ पर अगर ये लेंथ ये है, विड्थ ये है, पेटल की लेंथ विड्थ ये है, तो ये किस किस कैटेगरी का फ्लावर है। डायमेंशन आ गई तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रीड का ये फ्लावर। हाँ हमें यही निकालना है। तो हमने देखा हमारे पास ये चार वैल्यूज हैं, बाकी सब ये कि द फेमस आईडी डेटाबेस यूज्ड बाय आर ए फिशर, तो मतलब उसकी कहानी है कि कहां पे आया है कहां पे नहीं आया है, बट ये मेन चीज है। तो हम लोग और डेटा अपना देख लेते हैं। तो डेटा डेटा प्रिंट किया, तो ये हमारे पास चार रोज हैं और टारगेट अभी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। डेटा ये हम कैटेगरिकल डेटा पे लगाते हैं ना? कैटेगरिकल डेटा भी नहीं, डेटा तो हमारा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, जो आउटपुट है वो कैटेगरिकल होना चाहिए। सर कैटेगरिकल बोल रहे हैं तो इसका मतलब जीरो और वन, मतलब बाइनरी, मतलब यस और नो ना? नहीं 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 नहीं, जीरो से लेकर दस तक भी हो सकता है, सौ तक भी हो सकता है, बस लेकिन फिक्स होगा कि सौ है तो सौ ही होंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टिल 99। यहाँ पर हमारे पास देखो कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ तीन वैल्यूज हैं, जीरो वन और टू। तो कैटेगरिकल का मतलब ये नहीं है कि खाली जीरो या वन होगा, बाइनरी होगा, नहीं कहीं नहीं है ये चीज। कैटेगरिकल का मतलब है कि जो भी होगा फिक्स नंबर ऑफ ये होगा, ये नहीं होगा कहीं बीच में 0.5 भी है, 0.7 भी है, 0.9 भी है, 1.3 भी है, 1.2 भी है, नहीं। यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट है वो सिर्फ तीन, इसका जो अगर आप लोगों को फंक्शन पढ़ा होगा मैथ्स में, तो मैथ्स में जब फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें चीज होती है रेंज और डोमेन। तो डोमेन होता है कि उसका इनपुट क्या है, कि वो फंक्शन क्या क्या इनपुट ले सकता है, और रेंज होती है कि उसका आउटपुट क्या हो सकता है। जब मैथ्स में मतलब कि मैथ वन या शायद मैथ वन में ही होगा इंजीनियरिंग में, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन होता है कि फंक्शन आपके डोमेन से लेकर रेंज तक जाता है, तभी फंक्शन ऐसे लिखा रहता है कि आर से लेकर आर स्क्वायर, अगर कभी मैथ्स की मतलब बुक की कोई नोटेशन देखी होगी तो ये क्या होता है कि ये डोमेन है, मतलब ये है कि ये इसकी इनपुट की रेंज है और ये इसकी आउटपुट की रेंज है। अब इसका इनपुट मतलब कि जो फंक्शन का इनपुट है वो इसमें से कुछ भी हो सकता है और आउटपुट इसमें से भी कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो ये सिंपल मतलब आर का मतलब होता है रियल वैल्यू, मतलब कि सारी वैल्यूज जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं, तो ये निगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं। बट आर स्क्वायर आ गया, ये वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो इसी तरह जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग वाला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम इसमें कह रहे हैं कि इनपुट मेरा चार मतलब कि आर 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 आर, मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, चार कॉलम्स है ना, तो चार कॉलम्स में से वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बट जो मेरा आउटपुट है
वो है मेरा सिर्फ 0, 1 और 2। ठीक है सर। 0 बताता है कि ये वर्जिनिका का है, 1 बताता है कि ये वेरी वेरिस कलर का है, और 2 बताता है कि ये सेटोसा का है। मतलब नंबरिंग को चेंज हो सकती है कि 0 किसके लिए है, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए है। लेकिन ये बात ध्यान रखो, कैटेगरिकल का मतलब कभी नहीं होता है कि खाली 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज। यहां पर अगर मैं 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 100 तक जाता हूं, तो मतलब कि इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, इनके अलावा कोई और वैल्यू होगी नहीं, मतलब 0.5 नहीं होगी, 1.2 नहीं होगी, जो दिया हुआ है उसी में से होगी। लेकिन अगर आपने R लिख दिया, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जहां पर आपका आउटपुट R होता है, मतलब कि रियल वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, वो आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। जहां पर आपका आउटपुट फिक्स्ड होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, वो आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती है। तो यहां पर हमारा आउटपुट क्या है, हमने देखा कि हमारा आउटपुट शुरुआत की 50 रोज हैं, वो एक कैटेगरी के फ्लावर्स की हैं, अगली 50 दूसरे कैटेगरी की हैं, और अगली 50 तीसरे कैटेगरी की हैं। अच्छा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कि कौन सी कैटेगरी किस तरह की है, तो सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। टारगेट कहाँ गया मेरे पास, हाँ ठीक है, टारगेट नेम्स देखो, इसने दे रखा है कि 0 है सेटोसा, 1 है वर्सिकलर और 2 है वर्जिनिका। इसमें जिस ऑर्डर में दे रखा है तो वही चीज है, तो इसी ऑर्डर में है हमारे पास। तो 0 सेटोसा, अगर आउटपुट मेरा 0 आता है तो सेटोसा है, वर्सिकलर आता है तो 1 आता है तो वर्सिकलर है, 2 आता है तो वर्जिनिका। खैर, अभी हम लोग कोई मशीन लर्निंग लगा नहीं रहे हैं, अभी हम लोग खाली अपने डेटा को देखेंगे। तो मैंने यहां पर कर लिया इसको x इक्वल टू डेटा डेटा और y इक्वल टू डेटा टारगेट, क्योंकि हमने क्या कहा, देखा कि एसक्यूएलर में आपको x और y के फॉर्मेट में चाहिए होता है, ठीक है। तो अच्छा, जो मेरे कॉलम्स है वो कैसे हैं, पहला है सेपल लेंथ, फिर है सेपल विड्थ, फिर है पेटल लेंथ और फिर है पेटल विड्थ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ, df इक्वल्स टू pd डॉट, इसका मैं डेटा फ्रेम बना लेता हूँ एक, x कॉमा कॉलम्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, सेपल है कि पेटल है, पहले फिर मैं भूल गया, सेपल है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये मेरे पास आ गए, सिंपल किया, इसकी सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, वो है, ठीक है। तो अब चलो मैं पहले सेपल लेंथ और सेपल विड्थ को प्लॉट करता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अपना वही सिंपल मैटप्लॉटलिब का फिगर कॉमा एक्स इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट, और हम चाहे तो सीबॉन भी कर सकते हैं, आप लोग घर पे जाके जब करो तो सीबॉन में करो, एक्स डॉट स्कैटर डीएफ। सैपल फ्लावर होता है ना, मतलब फ्लावर का नाम ही होता है ना सैपल? नहीं 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 यार, सैपल एंड पेटल, हाँ फ्लावर का होता है। ये देखो, जो पत्ती होती है उसे कहते हैं सेपल, और जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें कहते हैं पेटल। ओके, तो ये जैसे इसकी चार पंखुड़ियां हैं, तो ये हो गई पेटल्स, ठीक है। और सेपल होता है आपका जो पत्ती नीचे होती है, जैसे ये देखो ना, यहाँ पर ये ग्रीन वाली है ये सेपल है, और ये जो पिंक वाली है ये यहाँ पर पेटल्स है। तो ये फ्लावर्स की वो है, जैसे फीचर कह लो, ठीक है, आया समझ में? मतलब ये कोई yes, अपने फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर के मतलब ये लगभग हर फ्लावर में, जैसे रोज की पंखुड़ियां होती हैं तो उनको सेपल कहते हैं, और उसके नीचे जो हरी हरी पत्तियां होती है, पत्तियां नहीं, जो फ्लावर के नीचे होती हैं उनको जो वो करती हैं, सपोर्ट देती हैं, उनको हम लोग सेपल्स कहते हैं।
यस बेटर ठीक है, और टाइटर सेपल्स और सेल्स पेटल्स एक्स लेवल पे हो जाएगा सेकंड्स, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, और एक्स डॉट सेट वाई लेवल ये हो जाएगा पेटल्स, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में, और पीएलटी का क्या कर दिया मैंने, सेपल विड्थ है। पहले हम सेपल लेंथ और सेपल विड्थ ही कहते हैं, पहले सेपल लेंथ और पेटल फ्लोवर्स ये मेरे पास एक प्लॉट आ गया कि पेटल्स की लेंथ और सेपल्स की लेंथ के बेस पर मेरे पास एक आ गया। अच्छा सर, हाँ आप ना ये इसी के डेटा सेट से यूज क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ खास, या फिर बाहर से, मतलब अगर कैगल से कोई डेटा उठा के ऐसा? यार, कैगल का जो डेटा सेट है ना उसमें मुझे पहले 2 घंटे प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिर मैं उसको यूज करने लायक ले पाऊंगा। ठीक है, यहां का जो डेटा सेट है इसमें चारों कॉलम कैसे हैं, न्यूमेरिकल है, किसी रो में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सिंपल है कि चार ही कॉलम मतलब है। सुटेबल डेटा नहीं मिलेगा अपन को, इसलिए अपन इसे का यूज नहीं, करें। सुटेबल डेटा है, पढ़ाने के हिसाब से सुटेबल डेटा नहीं है। पढ़ाने के हिसाब से सुटेबल ओके डेटा नहीं है। मुझे अगर मैं टाइटैनिक, चलो कैगल पे पढ़ा हुआ है, टाइटैनिक हम लोगों ने देखा भी है, बट अगर मैं टाइटैनिक के ऊपर मशीन लर्निंग लगाना चाहूँ तो पहले मुझे उसकी सारी रोज क्लीन करनी पड़ेंगी, मुझे सारी जो न्यूमेरिक जो कैटेगरिकल वैल्यूज है उनको न्यूमेरिकल में बदलना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग वैल्यूज है उनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो जब मैं वही काम करता रह जाऊंगा, इससे अच्छा है मैं वो यूज कर लूं जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट तो आगे पहुंच जाए, कि मैं उसी को नहीं तो करता रह जाऊंगा। अच्छा, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये वाले अगर आप देखोगे तो इधर कुछ एक कैटेगरी के फ्लावर्स हैं जो अलग से हैं, मतलब एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो किस कैटेगरी के हैं, बट एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सी इक्वल टू टारगेट, चलेगा नहीं चलेगा, सी वन में चल रहा था। चलो अभी हमें अच्छी चीज दिख रही है ना कि यहां पर एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जहां पर जिनकी, अब क्योंकि ये नीचे की साइड है तो जिनकी पेटल लेंथ बहुत कम है और सेपल लेंथ भी कम है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं, यहां पर मैं देखता हूं कि यहां पर इनकी पेटल लेंथ भी ज्यादा है और सेपल लेंथ भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के फ्लावर्स हो। तो मैं यहीं पर अभी सेपल का हो गया, अब मैं विड्थ की बात कर, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं डेटा एक्सप्लोर कर रहा हूं। यहां पर मैं वापस देखता हूं कि सॉरी, सेपल विड्थ वर्सेस पेटल विड्थ। हाँ ठीक है, यहां पर भी मुझे एक एक फिर से उसी तरह का आइलैंड टाइप का दिख रहा है बना बनाया, कि यहां पर कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि जिनकी सेपल विड्थ तो जाता है लेकिन पेटल विड्थ बहुत कम है। अच्छा, ये मैंने कर लिया है, अभी मैं करता हूं सेपल विड्थ वर्सेस पेटल विड्थ हो गया। अब मैं लेंथ की बात हो गई मेरे पास, विड्थ की बात हो गई, तो हाँ हो गए मेरे चार चार हो गए। ठीक ओके, इसका मैं कलर नहीं बना पा रहा हूं, अच्छा मैं
एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इसको पहले मैं चला देता हूँ। और हम लोगों ने क्या बनाया था, रेल प्लॉट बनाया था ना प्लॉट, और इसको मैं यूज कर लेता हूँ। एक्स इक्वल्स टू सेपल विड्थ, वाई इक्वल्स टू पेटल विड्थ, तो हमारा डेटा इक्वल्स टू डीएफ और क्यू इक्वल्स टू टारगेट। फाइंड इक्वल्स टू स्केल, टारगेट इज नॉट डिफाइंड, टारगेट वाली मैंने रन नहीं करी है क्या? अच्छा वाई है, वाई सॉरी। ओके यहाँ पर मेरे पास दो आ गए, फिर इन्हें हटानी पड़ेगी बस। ओके तो ये देखो, इसने कैटेगरी के हिसाब से, अब इसमें जो कलर कलर इंफॉर्मेशन है, ये कलर इंफॉर्मेशन क्या बता रही है, जो एकदम डार्क है वो टू है, मतलब टू का मतलब क्या था, सेटोसा था, क्या था यार, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। टारगेट नेम्स कहाँ गए, सेटोसा तो वर्जी वर्जी कलर, नहीं, वर्जी कलर ना, इसको मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सेल में ऐड कर लेता हूँ कि जीरो का मतलब है ये, वन का मतलब है ये, और टू का मतलब है ये। तो अगर जीरो है तो वो सेटोसा है, वन है तो वर्सिकुलर है, थ्री टू है तो वर्जिनिका है। यहाँ टू का मतलब क्या है, डार्क, तो डार्क वाले एकदम ऊपर है मेरे, और ये है जो थोड़े से पिंक वाले हैं, पिंक या ब्राउन है वो वन है, और जीरो वाले हैं जो एकदम लाइट कलर हैं वो है मेरे सेटोसा। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि जो सेटोसा है उनकी सेपल विड्थ ज्यादा है, पेटल विड्थ एकदम कम है। मतलब कि अगर मेरी पेटल विड्थ, अगर अब मैं आपको बताता हूं कि करेक्ट। अगर मेरे अगर आपने मुझे कोई फ्लावर दिया और मैं उसकी पेटल विड्थ मैंने देखी और मैंने कहा कि भाई पेटल विड्थ 0.6 से कम है, तो मैं कैसे सीधे बोल सकता हूं कि वो तो सेटोसा होगा। 0.7 से कम है वो, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे जितने हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हाँ सर, बोल सकते सेटोसा हो। है, बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो। ऐसे ही चलो अब इसका प्लॉट बना लेते हैं, क्योंकि ये मुझे दिखा तो नहीं रहा है ठीक से, तो ठीक से कर ही लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सेपल लेंथ और पेटल लेंथ है, और ये क्या हो गया, एक सॉरी एस एन एस डॉट रेल प्लॉट एक्स इक्वल्स टू सेपल लेंथ, तो हमारा वाई इक्वल्स टू पेटल लेंथ, तो हमारा डेटा इक्वल्स टू डी एफ और यू इक्वल्स टू वाई। सॉरी काइंड, अच्छा मैं बताना भूल गया, अच्छा हमने बना लिया ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, इसमें भी लगभग लगभग सेम है, तो क्या मैं ये दो कह से सकता हूँ कम है, कि दो से सॉरी, कम जिसकी लेंथ है वो पेटल है। हाँ दो 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 से लेंथ जिसकी पेटल लेंथ है वो मेरा सेटोसा है, क्योंकि सेटोसा यहाँ पर है। भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है ठीक है, तो वो मेरा सेटोसा है। तो मुझे अभी मशीन लर्निंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने डेटा मतलब कि डेटा को प्लॉट किया, और मैं चाहूँ तो मैं खाली इफ एल्स लगा दूँ, मैं खाली इफ एल्स लगा दूं कि भैया कि इफ पेटल लेंथ इज लेस देन टू एंड पेटल विड्थ इज लेस देन 0.6 देन इट्स अ सेटोसा। इसमें उसमें सर 0.2 से
अगर कम है वो तो चल गया, लेकिन बीच में फिर वो आ गया ना, अगर नेक्स्ट इफ कंडीशन जो भी आपने बताई उसमें थोड़ा हाँ थोड़ा मिक्स है ना। अगर लेस देन फोर बताते हो, टू लेस देन टू फोर और नहीं, मैंने फोर के लेस देन बीच टू में बताया, मैंने लेस देन टू बताया वो तो बस। हो गया, वो हाँ तो हो गया सर, वो तो सेट ठीक तो है, उसका हो ही पहले गया। तो हमें विजुलाइजेशन चाहिए ना सर, ये कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद ही तो बताएंगे हम, उसके बाद तो हम खुद भी देख पा रहे हैं। विजुलाइजेशन तो आ गई ना, सामने तो है हाँ सर, कह तो रहे हैं ना अच्छा, इफेक्ट अब क्यों लगाएं, इफेक्ट तो पहले देख लेंगे, नहीं उसके बाद मैं हमें कह रहा हूं कि दिखेगा। मैं कह रहा हूं मशीन लर्निंग क्यों लगाएं जब इफेल से काम हो सकता है। तो सर मशीन लर्निंग आगे सिखाने के लिए ना उसको, हाँ वो आगे भी हाँ आ सकता है, मशीन लर्निंग सर सीखने के लिए, मतलब नहीं सिखाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए ठीक है। सर प्रैक्टिस के लिए। हाँ मैं बस नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं, वो भी उसका रीजन आएगा इफेक्ट तो नहीं क्या क्यों लगेगा सर। नहीं लग सर सकता। अच्छा एक मिनट सर, ये बताओ फोर से अगर ज्यादा है तो हम उसको, वो क्या नाम है उसका, वजीनी का क्या नाम है, हाँ ठीक है, वो वर्जिन का वर्जिन, हाँ जो भी कर लीजिए। हाँ वो हम नहीं लगा सकते ना सर, क्योंकि फोर के बाद ये देखो ये पिंक डॉट्स भी है ना उसमें, हाँ तो नहीं अच्छा ये इस बताओ मशीन लर्निंग करती क्या है। सर हम मशीन लर्निंग ये करती है कि उसको हमने डेटा सेट्स अगर हमने दे दिए तो आगे के जैसे जैसे डेटा सेट आते जाएंगे वो बताती जाएगी। एक बार उसको समझा दो मशीन को हाँ कि लेसन टू है हाँ ना, तो नहीं वो ये कैसे रहेगा। करती है, अब मैं यही बात करना चाहता हूँ कि वो एकदम करती कैसे। सर मॉडल को ट्रेन कराते हैं, मॉडल क्या है? सेट ऑफ एल्गोरिथम नहीं सर, जैसे हम लोगों को जब लीनियर रिग्रेशन में करना था तो अब मैं उसे बहुत कहानी सुनाता कि ये मॉडल है, ये एल्गोरिथम है, ये वो है, आखिरी में थी क्या वो एक जो मॉडल था वो हमारी क्या थी, एक लाइन थी, हाँ सर हाँ सर, कुछ और तो नहीं था ना, कुछ अलग से तो कुछ कोई कुछ काम करके कुछ आया नहीं था। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, यहां पर मॉडल क्या है, यहां पर मॉडल अगर मैं इसको यहां मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, जनरली जैसे अभी आप लोग एक एल्गोरिथम पढ़ोगे डिसीजन ट्री, वो क्या करती है, वो खाली ना ऐसे वो बना देगी लाइंस, कहेगी कि ये पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, पहले ब्लॉक में आए तो तुम वर्जिनिका, दूसरे ब्लॉक में आए तो वेरी कलर, और तीसरे ब्लॉक में आए तो सेटोसा। वो भी यही लाइन ही बना देगी बस। अब लाइन से आप लाइन के ऊपर कोई वैल्यू नहीं डालोगे, आप देखोगे कि वो किस एरिया में लाई कर रहा है आपका जो, अब इसके बाद अब कोई भी नया पॉइंट आया, ठीक है मान लो कोई भी नया पॉइंट आया यहां पर आया, ये इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, वन सॉरी हाँ ये क्या है, टू टू है, टू है, तो इसकी कैटेगरी टू हो टू जाएगी, यहां पर आ गया इसकी कैटेगरी वन हो जाएगी, इस एरिया में आ गया इसकी कैटेगरी जीरो हो जाएगी। फिर तो सर आराम से फिल्स लग सकता है इसमें। हाँ बिल्कुल लग सकता है। सर मैंने पढ़ा है कि हाँ लॉजिस्टिक डिग्रेशन में भी एक ना वो एक क्रम बना देता है और रेंज में डाल देता है कि इतना है तो ये ए में रहेगा लाई करेगा, इतना है तो फिर वो बी में लाई करेगा, वैसे ही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, वो इक्वेशन बनाता है MX1+B, अगर इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा आती है तो ये कहता है ये क्लास वन है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.5 आती है तो कहता है इसकी क्लास जीरो है। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है आपका, वो एक लाइन बना देगा लाइन। हाँ कौन कौन, ये और वाली है नहीं आप बता रहे थे ना, ये ब्लॉक्स में कर देता है, तो ये दोनों हाँ सेम ही है फिर। नहीं, ब्लॉक बनाने का तरीका अलग है, बनाएगा आखिरी में ब्लॉक ही, ब्लॉक बनाने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। हो सकता है कि डिसीजन ट्री के बॉक्स ऐसे हों,
ऐसे बाउंड्री हो, ठीक है, और एक तीसरी बाउंड्री ऐसे कुछ हो जाए यहां से लेकर यहां तक, इसकी बाउंड्री अलग हो सकती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बाउंड्री थोड़ी सिंपल बनेगी। तो बाउंड्री आपकी डिफरेंट तरीके से बन सकती है, बट बनाते सब लोग बाउंड्री ही है। तो मॉडल क्या है? मॉडल सिर्फ एक लाइन है और कुछ नहीं है, आपको बस लाइन बनानी है। रिग्रेशन में आप लाइन बनाओगे जिसके ऊपर आप इनपुट दोगे तो वो आपको आउटपुट देगी, रिग्रेशन में कोई भी रिग्रेशन आप करोगे। और क्लासिफिकेशन में आप लाइन बनाओगे बांटने के लिए, यहाँ आपको ऐसे बैठना है, ऐसे बांटना है, ऐसे लाइन बनाने का तरीके अलग है। जनरली मतलब इट डिपेंड्स, फिर से कहूंगा इट डिपेंड्स, बट आप इसको ये मत सोचिए कि आप इफ एल्स से नहीं कर सकते हैं। 80% ऑफ द केसेस, मैं कहूंगा 90% ऑफ द केसेस में एक सिंपल इफ एल्स वर्क्स बेटर देन एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। क्यों? फास्ट है, ना कुछ ट्रेनिंग करानी है ना कुछ कराना है। मान लो कि अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कोई भी प्लॉट आए, कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर आए, आपको खाली पहचानना है कि ये सेटोसा है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी सेपल लेंथ देखो, पेटल लेंथ देखो, अगर ये इससे कम है और पेटल विड्थ अगर उससे कम है, सिंपल आप कह दो कि ये सेटोसा होगा। सर आप हमें एक बात बताओ, हमें मशीन लर्निंग इतनी सिंपल लग रही है, ये वास्तव में है कि नहीं है? ये यही है और क्या, सिंपल ही तो है, मतलब और कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा एक चीज बताओ सर, अगर आपने यहाँ पे 2 वाला तो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन हाँ। ये अगर आप लाइन लगा देते हो 4.7 की जिस तरह, तो वो तो क्वालिफाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि हाँ। उसके नीचे भी पिंक डॉट है और उसके ऊपर भी पिंक डॉट्स है, वो जो लाइन बनाओगे तो फिर अच्छा फिर वो ये देखेगा कि मैक्सिमम क्या है। आई डोंट नो, इसका आंसर सर दीजिए। मतलब आप इस पॉइंट को कह रहे हो? हाँ, यहाँ एक लाइन बना लो 4.7 पे सीधी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बना देते हो, हाँ ऐसे, इसके नीचे कई ब्लैक पॉइंट है जो कि एक पॉइंट है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग कुछ अलग नहीं कर देगी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मशीन लर्निंग कुछ अलग नहीं कर देगी। आप एल्गोरिथम की एक्यूरेसी निकालते हो, आपकी एक्यूरेसी आ रही है 99%, उसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट को करना मिस कर रही है। अगर आपके पास 100 पॉइंट है तो मशीन लर्निंग हमेशा कभी 100% अगर एक्यूरेसी दे देगी तो फिर मतलब वो तो भगवान हो गई ना। सर आपने बोला भी था उस दिन कि मतलब हमारी हमारे मॉडल को मतलब एकदम वैसा होना ही नहीं चाहिए 100% आंसर उसका, तो वो हमारा मॉडल नहीं, अगर आ रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, मैंने ये कहा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपकी 99 भी आ रही है और सब कुछ सही है तो ये भी ठीक है, मतलब आप अज्यूम करो कि 100% ले आएगी तो फिर उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब हो जाएगा। वैसे आयरिस के डेटा सेट में 100% आ जाती है, क्यों? वो बाउंड्री इतनी बढ़िया बनाता है। बाउंड्री आंसर कैसे बना देगा? ऐसे बना देगा वो, मतलब कि अरे मतलब कि वो ऐसे पूरी बाउंड्री बनाएगा बनाएगा बनाएगा, ऐसे ले आएगा इसको, ऐसे बना दी बाउंड्री।